तो हे एंड हेलो बडीज, इट्स अतुल 06 ईयर और स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर को बनाएंगे और कोशिश करेंगे उसमें ग्लास लगाएं और देखेंगे तो कुछ और नई चीज़ करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से पेड़ काटने चलते हैं। तो मैं अपने एक एपिसोड में बहुत ही कम कंटेंट कवर कर पा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाऊँ। मैं घर के ऊपर वाले फ्लोर को आज कैसे भी बना लेना है, तो उसके लिए भी लकड़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी काट रहा हूँ लकड़ी को। गाइस मैं अभी लकड़ी को काट रहा हूँ इसलिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ कि मैं चाहता नहीं कि वीडियो लंबा हो। तो मैं अभी लकड़ी को काट के फिर से वीडियो को ऑन कर रहा हूँ। तो फाइनली हमने लकड़ी काट ली है, जल्दी इसे लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास अच्छे खासे लॉग आ गए और अभी मेरे पास इन्वेंट्री में कुछ सामान ऐसे ही पड़े हैं, तो इनको मैं चेस्ट में रख लेता हूँ। टॉर्च इधर, ठीक है, कोई यूज नहीं, स्लैब का यूज है। तो अब हम चलेंगे ऊपर, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए सीढ़ियाँ, तो उसे भी क्राफ्ट करना होगा। तो लैडर बनाने की रेसिपी 6 1 7 7 स्टिक चाहिए और मेरे पास स्टिक नहीं है, तो इसे क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं। तो इतने स्टिक काफ़ी है और इनसे मैं लैडर बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से ऊपर बनाते हैं अपने घर को। तो सीढ़ियाँ लग गई, हमें बस सीढ़ियों के पास आके ऊपर वाला बटन क्लिक करना है। तो मैं अब साइड के वॉल्स को बनाता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो मैं नीचे गिर गया गलती से और ये स्केलेटन आर्मर के साथ इसे मारना बहुत ही हार्ड है और इसने अच्छा खासा डैमेज हमें दे चुका है। तो फिर हम भागते हैं, पहले इसे हम छुप के पीछे से मारेंगे। तो शायद ही हमें मार ही डालेगा, पहले भागते हैं। तो मैं अब इस साइड से जाऊंगा और उसकी हेल्थ भी लो हो चुकी होगी, तो उसे मारूंगा। तो फाइनली ये मर गया, अब जल्दी से हम अपने घर के काम को आगे बढ़ाते हैं। ये ब्लॉक कुछ गलत लग गए थे, तो इसे भी हटा लूं। तो लगभग हमारा पहला लेयर कंप्लीट हो गया और अब हम बनाएंगे सेकंड लेयर। मैं यहाँ पे बीच में जगह ग्लास के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे ग्लास को इंसर्ट कर सकूँ, इससे घर थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। तो फाइनली ये भी कंप्लीट, अब छत को बनाते हैं जल्दी से।
तो अब छत भी कंप्लीट हो गया और अब हमें ग्लास बनाने के लिए सैंड चाहिए, तो जल्दी से उसे भी लाते हैं हम। तो सैंड इधर कहीं वाटर बॉडीज के पास में मिल जाएगा, तो उसे ढूंढने चलते हैं हम। तो मुझे सैंड एक रिवर के पास मिल गया, तो जल्दी जल्दी से लेते हैं और फिर वापस अपने घर चलते हैं। तो मेरे पास अच्छे खासे सैंड भी आ गए हैं, अब तो वापस चलते हैं जल्दी घर और जल्दी से ग्लास को क्राफ्ट करते हैं और फिर लगाते हैं अपने ऊपर वाले पार्ट में घर के। तो ग्लास को क्राफ्ट करने के लिए हमें सैंड को फर्नेस में डालना होगा, तो यहाँ पे कोल मैंने पहले ही से रखा था, तो बस सैंड को डाल देंगे तो फर्नेस में आग लग गया और ग्लास बनना स्टार्ट हो गया। तक हम वुड ले लेते हैं और इससे हम बनाएंगे प्रेशर प्लेट, क्योंकि बार बार दरवाज़ा खोलना बंद करना अच्छा नहीं लगता। तो प्रेशर प्लेट पे प्रेशर पड़ते ही वो दरवाजे को खोलता है और बंद करता है, हमें खोलने और बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दो वुड ब्लॉक से क्राफ्ट होता है, तो अब बहुत आसान है इसे बनाना। और हम बनाएंगे ट्रैप डोर, जहाँ हमने लैडर लगाया है उसे बंद कर देंगे, कुछ अच्छा लगता है देखने में, तो हम ट्रैप डोर को यहाँ लगाएंगे। तो बढ़िया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और फिर से क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा, तो ये अच्छा हो गया। तो हमारे पास ग्लास भी अभी 8 बने हैं, 9, तो तब तक हम इतने ही ग्लास को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्लास लगाने वक्त थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अगर गलत लग जाता है तो फिर इसे हम वहाँ से तोड़ के हटा नहीं सकते, क्योंकि ये टूट जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने गलत लगा दिया और इसे मैंने तोड़ा तो ये टूट गया, मुझे वापस नहीं मिला, तो ग्लास के साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैंने ग्लास भी लगा लिया, पूरी चारों तरफ से लगा लिया और देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब टॉर्च लगा लेता हूँ दोनों साइड, तो बहुत ब्राइट हो गया ये रूम, तो ये सेफ भी रहेगा, यहाँ से हम बाहर के व्यू को भी देख सकते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब चलते हैं हम नीचे, तो रात हो चुकी है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, सो लेता हूँ और फिर हम सुबह फेंस लगाएंगे अपने घर के बाहर। तो फेंस को क्राफ्ट करने के लिए भी बस वुड ब्लॉक चाहिए होता है और ये आसानी से क्राफ्ट हो जाता है। और बगल से मुझे एक स्केलेटन मार रहा है ट्री के नीचे से, तो इसे पहले मार लेते हैं वरना ये काम करने देगा नहीं। तो इसे बाहर ढके धक्का देते हैं, तो ये मर गया। और जल्दी से हम फेंस लगाते हैं अपना। तो फेंस लग गया, एक यहाँ पे हम डोर लगाएंगे, फेंस का डोर, तो उसको भी इजी है क्राफ्ट करना जैसा कि आपने देखा अभी। तो इसे हम यहाँ लगाएंगे, तो हो गया दोस्तों फाइनली, इसे भी हमने लगा लिया और अब हमारा घर कुछ अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस डोर को खोलने के लिए हमें क्लिक करना होगा, जैसे हम इस डोर को खोलते हैं
और फिर से बंद करने के लिए इसे दोबारा क्लिक करना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय।